निर्मूल है। अपनी बनाई हुई वस्तुओं को हम बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं, परंतु ईश्वर निर्मित वस्तुओं को हम ना ही बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। हम जल से बर्फ और मिट्टी से ईंट बना सकते हैं और उन्हें बिगाड़ भी सकते हैं, परंतु जल और मिट्टी को ना हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। जब अपने विचार से हम उन्हें नष्ट हुआ समझते हैं, उस समय भी वास्तव में वे नष्ट नहीं होते, केवल उनका रूपांतर ही हो जाता है। हमारी यह असमर्थता ही उस सर्वसमर्थ के अस्तित्व को सिद्ध करती है। हमारी सामर्थ्य और शक्ति का ह्रास हर समय होता रहता है, किंतु ईश्वर की शक्ति न तो कभी घटती है और न ही नष्ट होती है। ईश्वर सदा सर्वदा एक रस रहता है। हमारी असमर्थता और लघुता इसी से प्रकट होती है कि निरंतर अनेकानेक साधन करने पर ही हमें सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, और वे भी बहुत सीमित हैं। संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति तो हम कर ही नहीं सकते। हम सृष्टि कभी नहीं रच सकते, सर्वव्यापक कभी नहीं हो सकते और पूर्ण विधि को कभी नहीं जान सकते। हम कितने ही कुशल क्यों न हो जाएं, दूसरा व्यक्ति हमारे कार्यों में दोष निकाल सकता है, किंतु ईश्वर के कार्यों में कोई दोष नहीं निकाल सकता। ऐसे तो हम प्रतिदिन ही जागृत अवस्था में उत्पत्ति और सुषुप्ति अवस्था में प्रलय किया करते हैं, परंतु समष्टि के उत्पत्ति प्रलय हम नहीं कर सकते। हम आम के बीज वृक्ष को लगाते हैं और उसे नष्ट भी कर सकते हैं, परंतु आम का बीज नाश हम नहीं कर सकते। मतलब यह है कि निज निर्मित वस्तुओं को हम बना बिगाड़ सकते हैं, ईश्वर निर्मित वस्तुओं को नहीं। यह अनुमान सर्वदा निर्मूल है कि प्रकृति स्वयं ही सृजन का कार्य संपादित कर लेती है, क्योंकि प्रकृति क्रियाहीन और जड़ है, वह स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती। जिस प्रकार हमारी क्रिया शक्ति स्वतंत्र नहीं है, हमारे अधिकार में है, उसी प्रकार प्राकृतिक तत्वों की क्रिया शक्ति भी उनके प्रेरक प्रभु के हाथ में है। हम में भी दो शक्तियां हैं, आत्मिक जिसको ईश्वरीय भी कहते हैं और दूसरी प्राकृतिक। इनमें दूसरी शक्ति का संचालन पहली शक्ति के द्वारा ही होता है, अतः प्रकृति की जड़ता और परतंत्रता ही उसके प्रेरक प्रभु और चेतन साक्षी ईश्वर की सिद्धि में सबसे प्रबल प्रमाण है। महाराज जी, अपने जीवन की ऐसी घटनाएं बताइए जिनसे ईश्वर की सत्ता और दया में आपका विश्वास बहुत बढ़ा हो। अरे, ऐसी तो अनेक घटनाएं हैं, उनमें से कुछ सुना देता हूं। पहली घटना, हमारे घर में देवी की उपासना अधिक थी। मैंने भी देवी का अनुष्ठान किया था, वह इसलिए कि संसार बहुत दुखी है, किसी प्रकार उसका दुख दूर किया जा सके तो अच्छा है। मेरे मन में यह कामना हुई कि मुझे यदि द्रौपदी की हांडी का सा एक पात्र मिल जाए तो अनायास ही लोगों का कुछ उपकार हो जाए। इस अनुष्ठान की पूर्ति के लिए मैं काम रूप जाकर कामाक्षा देवी की उपासना करने लगा। कुछ दिनों पश्चात काम रूप के निकटवर्ती एक महंत ब्रह्मचारी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। दैव योग से ब्रह्मचारी जी का शिष्य बाहर गया हुआ था, अतः उनकी मृत्यु हो जाने पर लोगों ने मुझे उस स्थान का महंत बना दिया। महंत होने की अवस्था में भी मेरा अनुष्ठान बराबर चलता रहा। उस समय वहां बहुत से लोग आने लगे और नित्य प्रति 300-400 रुपए भेंट में दे जाते।
कई लोग उन्हें साधुओं के भंडारे आदि में खर्च करते रहते थे। उन दिनों कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि मैं जिस व्यक्ति के लिए जो बात कहता वही सत्य निकलती। मैं किसी का कोई गुप्त दोष बताता तो वह स्वयं स्वीकार कर लेता कि हां मुझ में यह दोष है। यह दशा 18 दिन तक रही। फिर मैंने सोचा इस तरह रहना ठीक नहीं। यदि लाख रुपए भी मिल गए तो अधिक से अधिक एक गांव का ही कष्ट दूर हो सकेगा। फिर यह बात भी ध्यान में आई कि द्रौपदी की तरह एक पात्र भी मिल गया तो क्या होगा, संसार तो ऐसा ही रहेगा। अतः मैं एक दिन चुपचाप वहां से चल दिया। वहां से 8 कोस चलकर ही मैंने दम लिया। इस प्रकार आरंभिक जीवन में मुझे दुर्गा की उपासना से अनेकों चमत्कार हुए। फिर मुझे श्री कृष्ण प्रेम भी होने लगा और कुछ काल पश्चात मैंने संन्यास ले लिया। एक रात की बात है, सूर्य अस्त हो गया था, चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी, जंगल